हेलो एवरीवन, आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में। ओके, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं, ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। पहले ग्राउंड स्टेट क्या होता है समझते हैं। देखिए, कोई भी एटम है उसका दो स्टेट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट है ना, नॉर्मल है वो। और एक्साइटेड स्टेट मतलब होती है वो अपना कोई एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो उसे कहेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दो दिया है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हम एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है तो उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में वो फिल होंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या है, है ना? तो ये मतलब ऑब्जर्व्ड है, साइंटिफिकली निकाला गया है। ठीक है, तो वो एक ऑर्डर आपको बना के दिया गया है, उसको याद करने का तरीका के साथ मैं आपको याद करवाऊँगी। ये उसको याद करने का तरीका है कैसे, देखिए पहले 1s फिल होगा, ओके, फिर होगा 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। मतलब ये जो एरो की डायरेक्शन है ना, आपके इस डायरेक्शन में एनर्जी का इंक्रीजिंग लेवल होता है। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं किसी भी ऑर्बिटल में। ओके, अब देखिए हम क्या होता है, ये जो लिखते हैं ना हम, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको करके बताती हूँ सोडियम का। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए सोडियम में ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सपोज़ ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है, इसके जो ऊपर लिखा होता है ना, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर आपका जो होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू इसके प्रोटॉन का नंबर और इक्वल होता है इसके इलेक्ट्रॉन का नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, यानी कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, आपसे इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा या प्रोटॉन का नंबर पूछा, तो वो सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको कह रही हूँ कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है इसके, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, राइट? अब इसके नीचे जो लिखा जाता है, ये होता है एटॉमिक नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। और जो इसके नीचे लिखा होता है, ये 23 मैं लिख रही हूँ, ये आपको याद करना होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको याद करना होता है, ये होता है एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, इसको जेड से, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको बस जनरल नॉलेज के लिए बता दी। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। देखिए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको किस ऑर्डर में इसके ऑर्बिटल्स को भरेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एस में आपके भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में भरे जाते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, डी में भरे जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में भरे जाते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ये मैंने आपको बताया, एस में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14। ओके, ये आप याद रखिएगा, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको ये काम आएगा, है ना? अब देखिए सोडियम में 11 है, तो पहला कौन सा हमें भरना है? 1s। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे 1s। अब इसमें कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, हमने लिख दिया 1s2। इसमें से 2 निकल गया, कितना बचा हमारा? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे, राइट? अब हम क्या भरेंगे? अब देखिए सेकेंड एरो है हमारा 2s के लिए, तो लिखेंगे 2s। फिर s है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 2, तो भर देंगे हम 2। अब क्या हो गया? 2 4 हो गए हमारे। अब यहाँ पे कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे, है ना? अब फिर क्या भर रहे हैं? देखिए 2s के बाद फिर क्या एरो आता है? यहाँ से ऐसे ले जाइएगा आप एरो, ठीक है? तो यहाँ से फिर क्या आता है? 2p। अब हम 2p भरेंगे, 2p मैक्सिमम कितना होता है? 6 होता है, मैक्सिमम कितना होता है? 6। पहले आप गिन के देख लोगे, देखो आ रहा है 6 की नहीं, 2, 4, 6, 10 आपके इलेक्ट्रॉन हुए हैं, लेकिन कितना है भरना है? अभी 11 भरना है आपको, एक और इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अब 2p के बाद कौन सा आ रहा है आपका? 3s। अब यहाँ पे आप एक ही भरोगे क्योंकि आपको 11 ही भरना है।
आपको जितना भरना है उतना ही आपको भर, मतलब जितना आपको दिया हुआ है उतना ही आपको भरना है, और फिल तभी करना है जब वो फिल हो रहा हो, ये मैक्सिमम नंबर है, इससे कम भी हो सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हुआ है, एस में मैक्सिमम तो दो होता है लेकिन आपके लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा था तो हमने एस वन लिखा है, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसके एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 30, ठीक है, 30। अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या भरेंगे हम, 1s भरेंगे, 1s में भी कितना भरेंगे, 2, बचा कितना, 11, ठीक है। फिर क्या भरेंगे, 2s, 2s में भी कितना भर देंगे, 2, ठीक है। फिर भरेंगे 2p, 2s के बाद क्या है, 2p, 2p में कितना भरेंगे, 6, ठीक है। अब आपके कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3 और बाकी हैं आपके। 2p के बाद क्या आता है आपका, 3s, राइट, 3s भरेंगे, 3s2, देखिए 10 और 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है आपका, 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए 3s के बाद क्या आएगा आपका, वापस से 3p आएगा, तो 3p आप भरेंगे, 3p में कितना, 1, क्योंकि आपका 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अब देखिए मैक्सिमम तो आपका 6 था लेकिन हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा था लास्ट में, इसलिए हमने 1 लिखा है, ओके। तो ये चीज़ आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम ना हो। जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो आप इस तरह से आप डायग्राम बना लेना और लिख लेना, और अगर आपको जल्दी करना है तो आप सीक्वेंस वाइज इसको याद कर लेना, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ऐसे करके लाइन वाइज आप याद कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।